हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएसएल। अभी हम देखेंगे आर्मीज प्रपोजल ऑफ 3 इयर्स टेन्यूर फॉर सिविलियंस। ओके, सो ये बहुत अच्छा जो है एक न्यूज है जो कि सिविलियंस के लिए, जो सिविलियंस है जो कि चाहते हैं आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो कि आर्मी में काम करने का आ गया। सो ये अभी फिलहाल क्या है, अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, तो ये अप्रूव हो जाएगा तो ये सिविलियन के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है एंड उनको एक मौका मिल जाएगा जो कि आर्मी का मॉल में काम करने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके ऊपर देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहले तो न्यूज किस लिए है। सो रिसेंटली आर्मी जो है एक प्रपोज दिया है जो कि 3 इयर्स वॉलेंटरी, जो कि उसका नाम जो है टूर ऑफ ड्यूटी। किसका ना, सिविलियंस के लिए। ये जो है एक ट्रायल बेसिस में दिया जाएगा पहले, उसके बाद इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, सो आर्मी में काम करने के लिए क्या है ना, 3 साल का जो है सिविलियंस को लेगा अभी, ठीक है, जो कि उसका जो नाम है टूर ऑफ ड्यूटी बोलेंगे। सो आर्मी अभी रिसेंटली एक प्रपोजल जो है ये दिया है। ओके, सो इसमें क्या है ना, जो सिविलियंस है जो कि आम जो आदमी जो बोलते हैं उसको, ठीक है, सिविलियंस है, तो उनका जो एक मौका मिल जाएगा आर्मी में काम करने का, जो कि यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि चाहते हैं कहाँ पे ना, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। ये एक 3 साल का सर्विस रहेगा जो कि एज ए ऑफिसर से एंट्री हो सकता है एंड अदर रैंक भी है। अदर रैंक कौन सा है ना, जो कि एरिया में काम करेंगे, एक तो लॉजिस्टिक एंड फ्रंट लाइन फॉर्मेशन में काम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप क्या है ना, दो आपका एंट्री निकलेगा, एक तो हो गया ऑफिसर्स, दूसरा हो गया अदर रैंक्स। सो दिस इज ए गेम चेंजिंग प्रपोजल जो कि अभी सिविलियंस को लिया जाएगा आर्मी में। ओके, जो कि 3 साल के लिए काम करने के लिए। सो अभी क्या है ना, ये टॉप कमांडर्स जो है इसको एग्जामिन करेंगे, उसको अप्रूव होने के बाद ये जो है इनिशिएटिव लिया जाएगा। ये जो रहेगा एक वॉलेंटरी एंगेजमेंट रहेगा, जो कि क्या है, इसमें इनिशियली 100 जो है ऑफिसर्स लिया जाएगा एंड 1000 जो है मेन लिया जाएगा। ओके, जो कि पहला जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा। सो इसी प्रपोजल में देखेंगे इनको क्या है ना, बेनिफिट क्या है ना, अभी क्या है, जैसे क्या है, ये एंट्री हो जाएंगे 3 साल के लिए तो उनका जो पेमेंट मिलेगा 3 साल का जो है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा। ओके, नहीं लगेगा। ओके, सो टैक्स इसमें कोई भी टैक्स, ये फ्री ऑफ इनकम टैक्स है। ओके, एंड लास्टली क्या है, जब ये 3 साल के बाद जो है रिटायर्ड होंगे, मीन्स 3 साल जब कंप्लीट हो जाएगा उनका, जब निकलेंगे तो उनको एक, उनको क्या है कि लम्प सम जो है एक अमाउंट मिलेगा जो कि 5 to 6 लाख मिलेगा ऑफिसर्स को एंड 2 to 3 लाख मिलेगा अदर्स को। सो इसमें देखेंगे इनको क्या है ना, मैंने तो बता दिया है कौन सा क्या मिलेगा उनको, एक तो हो गया इनकम टैक्स, ठीक है, से बचेंगे 3 साल का जो पेमेंट है, और क्या है, सो जो लमसम में अमाउंट है 3 साल के बाद वो भी मिलेगा। सो यहाँ पे क्या क्या नहीं मिलेगा ये बताऊंगा। सो यहाँ पे जो है रीसेटलमेंट कोर्सेस, रीसेटलमेंट कोर्सेस क्या होता है ना, रीसेटलमेंट कोर्स ये होता है कि जब क्या है, कोई भी बंदा डिफेंस में आर्मी में काम करता है तो मिनिमम उसका 15 साल 17 साल 20 साल, ठीक है, अबव द 15 इयर्स करता है, तो उनको क्या है ना, कोर्स मिलता है जो कि उसका नाम है रीसेटलमेंट कोर्स। मीन्स जैसे क्या है, वो जो आर्मी छोड़ने का पहले जो है कोर्स मिलता है उसको रीसेटलमेंट कोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है प्रोफेशनल एनकेसमेंट ट्रेनिंग लीव, एक सर्विसमैन स्टेटस, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन जो है कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जो कि शॉर्ट में बोलते हैं ECHS। ECHS क्या है ना, ECHS ये है कि कोई भी बंदा आर्मी में है वो क्या है ना, आफ्टर द रिटायरमेंट उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है थ्रू द एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम से। मीन्स उसका कुछ भी है लाइफ टाइम, ओके, सो उसका कुछ भी होता है बॉडी का, या उनका जो फैमिली है जो डिपेंडेंट है उनका, तो उनका कुछ भी होता है तो उनको ये ECHS के थ्रू उनका जो हेल्थ है
ठीक है, हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है वो टोटली फ्री रहेगा। ओके, बट ये क्या है, अभी ये जो 3 साल के लिए टेम्पररी जा रहे हैं, ठीक है, जाएंगे तो उनको क्या है, एज ए ऑफिसर एंड अदर रैंक्स के लिए इनको कुछ भी नहीं मिलेगा ये सब। ओके ओके, सो एक्चुअली गवर्नमेंट ये प्रपोजल लिया किस लिए, क्योंकि उसको क्या है, एक परमानेंट जॉब देने से अच्छा आम प्रोसेस में उनको क्या है ना, टेम्पररी एक्सपीरियंस देगा 3 इयर्स का, जो कि डिफेंस में। गवर्नमेंट का क्या क्या बेनिफिट है वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। सो ये एक वॉलेंटरी एंगेजमेंट है, जो कि इसमें कोई भी नो डाइल्यूशन इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो आर्मी ये बोल रहा है कि आर्मी ये सोच रहा है, ठीक है, इसका सोचने का ये तरीका है कि जो इंडिविजुअल्स जाएंगे, जो कि बेस्ट कॉलेजेस से जाएंगे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स IIT से जाएंगे, सो दैट ये लोग जाएंगे तो यंग एनर्जेटिक। ओके, सो ये लोग जाएंगे तो जो आर्मी में जो कि बहुत सारा चेंजेस आएगा, आर्मी ये सोच रहा है। सो रेशनल बिहाइंड द प्रपोजल के बारे में देखेंगे। सो एक तो हो गया क्या है ना, रिसर्जेंस ऑफ द नेशनलिज्म, ओके, एंड पेट्रियोटिज्म, जो कि ये जो है यूथ है, ओके, यूथ जो पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या IIT में है, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनका क्या है मन में फीलिंग्स होता है क्या ना डिफेंस में जाने का। सो ये जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है 3 साल का जो है ये डिफेंस में काम करने का एक मौका मिलेगा उनको, टेम्पररी ड्यूरेशन का, एंड उनका जो है मिलिट्री एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ओके, सो एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू द आर्मी क्या है, आर्मी को क्या बेनिफिट होगा, एक तो हो गया रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन जो है आर्मी को ये कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, क्योंकि जो SSC है, SSC का जो फुल फॉर्म है शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है ये 14 साल के लिए जो है ऑफिसर्स आते हैं। सो वो 14 साल के लिए जो आते हैं उनको क्या है, वो पूरा उनको क्या है ना बेनिफिट मिलता है, कौन सा ना, प्री कमीशन ट्रेनिंग मिलता है, मीन्स कमीशन होने से जो ट्रेनिंग है उसमें भी गवर्नमेंट का भी पैसा जाता है, उनका पे भी देता है, ओके, 14 इयर्स का अलाउंस देता है, ग्रेचुटी देता है, लीव एनकेशमेंट देता है, ये सब देता है एंड अदर्स भी देता है, ओके, कैंटीन फैसिलिटी, ऑल दिस फैसिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी देने के बाद क्या होता है ना, गवर्नमेंट का जो है जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ जाता है। सो इसको कम करने के लिए ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए 3 साल के लिए जो ऑफिसर्स एंड अदर्स जो रैंक है उनको इंक्लूड करने का आर्मी ये सोच रहा है। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी के बारे में देखेंगे, एक तो हो गया रिडक्स हो जाएगा फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो, एंड जो है मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा आर्मी का जो है टर्म ट्रेनिंग आर्म्स इक्विपमेंट, क्योंकि न्यू जो है यंग एनर्जेटिक जो बंदे आएंगे IITians, ठीक है, एंड अदर्स जो इंजीनियरिंग इंजीनियर्स आएंगे तो सो देट क्या है उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, ओके, उनका जो भास्ट नॉलेज है वो यहाँ पे आर्मी में एप्लीकेबल जो है वो यूटिलाइज करेंगे। सो एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू यूथ, कौन सा जो है बेनिफिट रहेगा यूथ को, एक तो हो गया मैंने पहले बता दिया था, एक तो हो गया इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, एंड एक लमसम में अमाउंट मिलेगा 3 साल के बाद रिटायर्ड करने के बाद। और एक बेनिफिट, मेजर बेनिफिट जो है, जब रिटायर्ड ये हो जाएंगे 3 साल के बाद, उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर में क्या है उनको ज़्यादा जल्दी क्या है ना उनको जॉब मिल जाएगा, किसलिए, क्योंकि ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस है इनका जो है डिफेंस में, ओके, आर्मी में, सो देट क्या है कॉरपोरेट सेक्टर वाला क्या है उनको ले लेंगे। ओके, सो पहले तो क्या हमें देखना चाहिए क्या है, जो फ्रेशर रहेंगे, फ्रेश ग्रेजुएट्स रहेंगे उनको ज़्यादा जल्दी नहीं लेगा, इनको ले लेगा, क्योंकि इनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आर्मी में। ओके, सो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखेंगे फेवर करते हैं जो इंडिविजुअल्स है, एंड जो कि मिनिमम क्या है ना, ये जो मिलिट्री एज में जब जाएंगे 26 और 27 एज ऑफ जाएंगे, ओके, सो जाने के बाद क्या है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका हो जाएगा। सो बेनिफिट टू द नेशन क्या है ना, एक तो हो गया क्या है ना, यूथ एनर्जी को पॉजिटिव यूटिलाइजेशन किया जाएगा उनका जो पोटेंशियल है। सो एंड दूसरा क्या है ना, राइगरस मिलिट्री ट्रेनिंग हैबिट इनकलेशन विल लीड ऑल्सो हेल्थ जो है हेल्दी
सिटीजनरी। ओके सो जो सिटीजन से जो कि जो बंदे आएंगे, यंग बंदे आएंगे, उनको क्या है, एक हैबिट बन जाएगा मिलिट्री ट्रेनिंग का, सो देट उनका जो लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग है उनका जो लाइफ है वो स्मूथली निकल जाएगा, क्योंकि उनका जो है यहाँ पे जो हेल्दी रहेंगे, क्योंकि 3 साल में भी उनको क्या है, आदमी में पता होगा आपको वहाँ पे एक्सरसाइज जैसे होता है जो कि बॉडी का, सो देट क्या है उनका जो है वो हेल्दी रहेंगे। ठीक है, सो एंटायर नेशन जो है ओके विल बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेंड डिसिप्लिन कॉन्फिडेंट डेलीजेंट कमिटेड यंग मैन वोमेन ऑल्सो, ये 3 साल में सीखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स।